हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 12th चैप्टर 2 सॉल्यूशंस का एक्सरसाइज का 11वां सवाल। 2.11 से लिया गया सवाल है। सवाल कहता है, व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड्स एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। मतलब कि अगर हम किसी भी गैस को, जैसे कि आप कोका कोला या स्प्राइट वगैरह पीते होंगे, तो कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में डिजॉल्व रहता है। हम लोगों को रेफ्रिजरेटर में उसको रखने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हम लोग वहां पर देखते होंगे कि हम लोग फ्रिज में उसको रखते हैं, बाहर में रखेंगे, अगर धूप में रख दीजिएगा उसको, अगर बोतल बढ़िया सील्ड है तो बोतल फट जाएगा। कारण क्या है? तो उसका गैस बाहर निकलेगा और गैस अंदर से प्रेशराइज करेगा बोतल को, तो बोतल फट जाएगा। सवाल यह है कि वो जो गैस घुला हुआ था वो बाहर निकला क्यों? क्यों टेम्परेचर बढ़ा तो गैस बाहर निकल गया? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां बता दूं कि जो लिक्विड में गैस की जो सॉलिबिलिटी होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है, माने कि चेंज इन इंथाल्पी जो होती है निगेटिव होती है, हीट रिलीज होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, ली चिटलियट प्रिंसिपल कहता है कि जो हमारा ये जो हमारा प्रोसेस है, यानी कि पहले हम लोग लिक्विड प्लस गैस लिए, तो इसके बाद क्या मिला हम लोगों को, इसके बाद मिला हम लोग को डिजॉल्व्ड गैस। क्या मिला? डिजॉल्व्ड गैस मिला। अब देखिए, ये डिजॉल्व्ड गैस से भी फिर सेपरेशन किसका हो सकता है, लिक्विड प्लस गैस का, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रोसेस में होंगे। अब चूंकि यहां पर डेल्टा एच निगेटिव है, क्योंकि ये हमारा जो सॉलिबिलिटी होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, सारा डिजॉल्व्ड गैस कन्वर्ट होने लगेगा लिक्विड प्लस गैस के रूप में, सेपरेट होने लगेगा, यानी लिक्विड को छोड़ करके गैस अलग हट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के कारण से जो ना गैस की सॉलिबिलिटी घट जाती है, गैस लिक्विड को छोड़कर के बाहर निकल आता है। तो इसको एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे, सिंस द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हेंस अकॉर्डिंग टू ली चटेलियर्स प्रिंसिपल, द सॉलिबिलिटी इसको यहां पर लास्ट में आप लिख लीजिएगा, शिफ्ट ये सॉलिबिलिटी का जो इक्विलिब्रियम है, सॉलिबिलिटी बोले या फिर हम लोग इक्विलिब्रियम बोल दे, ये जो इक्विलिब्रियम जो यहां पर हो चुका है, मतलब कि हम लोग प्रेशर डाल करके इक्विलिब्रियम रखते हैं ताकि ना ही ज्यादा गैस घुल जाए ना ही गैस घुला हुआ अंदर की ओर आ जाए, ठीक है ना, बाहर की ओर आ जाए। तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस में मान लीजिए रहता है बोतल हमेशा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, सो द सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस विथ रेज इन टेम्परेचर। तो सॉलिबिलिटी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गैस डिजॉल्व्ड गैस और लिक्विड गैस के बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये डिजॉल्व्ड गैस इस दोनों फॉर्म में सेपरेट होने लगेगा, यानी कि लिक्विड को छोड़कर गैस बाहर निकलने लगेगा, सॉलिबिलिटी हम बोलेंगे डिक्रीज कर गया टेम्परेचर बढ़ाने के कारण से, ली चिटलियट प्रिंसिपल इसको एक्सप्लेन करता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी के हर एक वीडियोस बेस्ट लैंग्वेज में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किए जाते हैं।